This is Hafele oven Celia 70, capacity of 70 liters. ये multifunctional oven है with 11 cooking functions के साथ है. 11 cooking functions है, automatic oven है. अब इसमें अंदर के parts के बारे में मैं बताता हूँ आपको. ये सबसे पहले इसमें grill wire shelf होती है, second rotisserie wire shelf होती है, फिर oven drip tray होती है. अपर हीटिंग एलिमेंट हो गया, लोअर हीटिंग एलिमेंट हो गया जो कि हाइड होता है, सेंटर हीटिंग एलिमेंट हो गया जो कि हाइड होता है, कन्वेक्शन फैन के साथ होता है, कन्वेक्शन के फैन के पीछे होता है सेंटर हीटिंग एलिमेंट. अब ये ऑटोमेटिक ओवन है. ऑटोमेटिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि सपोज करो आपने रोटेसरी में पनीर टिक्का लगाया, रोटेसरी में जैसे ही पनीर टिक्का लगाओगे प्री सेटिंग में जाओगे यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक उस वाली रेसिपी को प्रिपेयर होने के लिए कौन सा मोड चाहिए ऑटोमेटिक ले लेगा. ऑटोमेटिक मीन्स वो ले लेगा अपर हीटिंग एलिमेंट विद कन्वेक्शन फैन. अब उसने उस रेसिपी को प्रिपेयर होने के लिए ऑटोमेटिक मोड ले लिया. अब आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी रेसिपी जो है जो मैंने इसमें लगाई है वो इस मोड से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप उसको कैंसिल करके अपना मोड भी सेट कर सकते हो. आपके पास अपर हीटिंग एलिमेंट है, लोअर हीटिंग एलिमेंट है, सेंटर हीटिंग एलिमेंट है, कन्वेक्शन फैन है, तो आप जैसे मर्जी सेट कर लो, जितने मोड लगाने लगा लो, कन्वेक्शन फैन के साथ लगा लो या विदाउट कन्वेक्शन फैन लगा लो. तो इसलिए इस मैंने बताया ये ऑटोमेटिक ओवन है. इसकी कैपेसिटी 70 लीटर्स की है. इसमें एक स्पेशल फीचर दिया होता है, वो किसी में नहीं होता है, वो केवल हैफले के ओवन्स में आता है. वो इवन कैफ में नहीं आता है, बॉश में नहीं आता है, सिमेंस में नहीं आता है, फेबर में नहीं आता है. अगर आपका कोई फूड रेसिपी प्रिपेयर हो रही है तो आपको चेक करना है वो कितनी प्रिपेयर हुई है, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाता है अंदर, और ये फूड यहाँ पे अटैच होकर अंदर चला जाता है, इसको निकाल के अटैच होता है, और उसके बाद ये फूड के अंदर जाता है तो यहाँ डिस्प्ले पे आ जाता है कि कितने परसेंट प्रिपेयर हुआ है. अगर 90 प्लस शो करता है तो आपकी रेसिपी फुल प्रिपेयर होगी. ये फीचर किसी में नहीं आता है, हैफले में ही आता है. ठीक है, बाकी ये फीचर को स्पेसिफिक नाम दिया इन्होंने, इसका केवल आइडेंटिफाई रेसिपी आइडेंटिफाई फीचर. ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्लास डोर होता है, ट्रिपल लेयर ग्लासेस होते हैं, 1-2 और एक बीच में भी ग्लास होता है. स्ट्रॉन्ग ग्लास डोर इसलिए बोलते हैं इसको. हीट हमेशा इसमें सामने से बाहर आती है, ओवन में बिल्ट इन ओवन्स में हीट हमेशा सामने से बाहर आती है, कभी भी साइड से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से हीट बाहर नहीं जाती है. और बाकी इसकी इमेज ये है, डिजिटल एंड मैनुअल कंट्रोल दोनों होते हैं. किसी किसी ओवन में डिजिटल होता है, किसी किसी ओवन में मैनुअल होता है. इसमें दोनों है. तो ये कंप्लीट ओवन जिसको बोलते हैं ये है. पा, 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 पा।